हेलो गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा है। तो अभी मैं पहुँचा यहाँ TFC कारगिल। तो ऐसे घूमने आया था मैं आज, और कुछ सोचा क्यों नहीं TFC का दर्शन कराऊं। तो दोस्तों TFC कारगिल की बात करें तो कारगिल के मेन जगह, अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए आते हैं। शाम के टाइम जो यहाँ से व्यू आते हैं, बहुत ज़बरदस्त व्यू आते हैं ये सुरु रिवर का। तो कारगिल में शाम के टाइम टहलने के लिए ये जगह बेस्ट है। तो जब भी आप कारगिल आते हो तो मस्ट विज़िट कीजिएगा ये TFC कारगिल। तो अभी सुरु रिवर में पानी बहुत कम हो गया है, जब समर में ना यहाँ तक पहुँचते थे, यहाँ इस इधर तक पहुँचते पानी, अभी तो बहुत कम हो चुका है। TFC कारगिल के बगल में ही जो ख्री सुल्तानचो स्टेडियम है, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, जहाँ आइस हॉकी रिंग बना हुआ था एक साइड में, अभी मैं वो भी दिखाऊँगा आइस हॉकी रिंग। तो चले जाए, अभी हम जाते हैं वहाँ ख्री सुल्तानचो स्टेडियम। तो देखते हैं वहीं से रास्ता होगा, अदरवाइज़ हमें फिर से घूम के जाना पड़ेगा इस साइड से। तो चले जी चलते। यार ये लॉक लगा हुआ है यार गेट को, फिर से घूम के जाना पड़ेगा। हाँ वहाँ पे बना है आइस हॉकी रिंग, अभी हम वहीं पे जाएंगे, फिर से घूम के जाना पड़ेगा। चलो फिर वापस घूम के जाते हैं। थैंक यू, डू विजिट अगेन। तो हम यहाँ से जाएंगे लेफ्ट साइड, फिर से जाते ख्री सुल्तानचो स्टेडियम। सो दोस्तों मैं पहुँच गया यहाँ ख्री सुल्तानचो स्टेडियम, आप देख सकते हैं कारगिल का ये मेन ग्राउंड है, इसी ग्राउंड पे होते जो भी एक्टिविटीज़ होता है या स्पोर्ट्स जो भी होता है, यहाँ भी होता है जो भी मैच, फुटबॉल वॉलीबॉल। तो अभी यहाँ पे बना है आइस हॉकी रिंग। आइस हॉकी रिंग कुछ ऐसा बना है आइस हॉकी रिंग यहाँ कारगिल में। तो यहाँ पे जल्द शुरू होगा CC कप मैच आइस हॉकी का। तो यहाँ पे इसलिए बनाया है क्योंकि वहाँ पे जो इसका मेन ग्राउंड है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे बनाया। तो चले जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया ये आइस हॉकी रिंग, तो इस ग्राउंड के बगल में एक पार्क है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा। तो इस पार्क का नाम है रियल खातून फॉरेस्ट पार्क कारगिल। तो अभी सुनसान पड़ा है, यहाँ पे कोई नहीं है, गर्मियों में यहाँ पे इतने लोग आते हैं, अभी तो ये सुनसान पड़ा है। तो विंटर टाइम में इसके हालत आप देख सकते हैं, ये विंटर में पूरा बर्फ से ढका हुआ है ये पार्क।
गर्मियों में ये इतना खूबसूरत दिखता है ना, यहाँ पे हरियाली बहुत, यहाँ से पानी बहुत ज़बरदस्त दिखता है गर्मियों में। तो अभी तो यहाँ कोई नहीं है दोस्तों। अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ पार्क लास्ट कॉर्नर पे, तो यहाँ पे ख़त्म होता है पार्क, एंड होता है यहाँ से। तो जी ये पार्क का एंड पॉइंट, यहाँ से हमें वापस जाना है। सुरु रिवर, जंगल जंगल, बुलबुल बाग भी बोलते इसको लोग, बुलबुल बाग। तो चले जी, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, शाम हो गया है। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।